धान का सीजन शुरू हो चुका है और मंडियों में सरकार पुख्ता प्रबंध किए जाने के दावे कर रही है, मगर एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की हालत इसके बिल्कुल उलट है। जहां सीजन शुरू होते ही मंडी में धान के अंबार लगने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि मंडी में किसानों को अपनी फसल रखने में परेशानी हो रही है। किसानों की माने तो सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस तरफ या तो सरकार ध्यान नहीं दे रही या फिर प्रशासन बेवजह परेशान कर रहा है। बिना कारण किसानों को मोर्चर के नाम पर परेशान किया जा रहा है। किसानों को और क्या कुछ कहना है, आइए आप भी सुनिए। ढेर लगे ने, या तो सरकार ध्यान नहीं दिंदी या डिपार्टमेंट हरास करता है। जिहड़ा हुण 4-5 दिन तो इत्थे लगी ढेरी, 4-5 दिन तो फुल ही जा रहे ने, उहदा मॉइस्चर कित्थों है? शैलरां दी स्ट्राइक है, बहाना बनिया कि वार देना गवर्नमेंट देवे, गवर्नमेंट कहती मॉइस्चर नहीं। जिहड़ी हुण ढेरी हफ्ते की फुल ही पई है 4 दिन की, उहदा मॉइस्चर कित्थों है? इन्हां नूं गवर्नमेंट नूं ध्यान देना चाहिए कि छेती तो छेती किसान अपने अगली फसल लिए तैयारी करे। हुण जाके उहनूं सांभे, खेतां नूं सांभे, कित्थे ढेरी नूं सांभे? 4-4 दिन तो लोग बैठे ने। ਇਹ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਖੰਨਾ ਸੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਭੱਟੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।